लोग माई सेल्फ चेतन प्रकाश, वेलकम बैक टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, ये जो हमारी एंटोमोलॉजी का हमने एक लेक्चर कर लिया था, उसमें हमने इंसेक्ट के बारे में देखा था, गंधी बग के बारे में देखा था, लोकस्ट के, लीफ रोलर के, ठीक है। तो हमने अलग अलग इंसेक्ट देखे थे, तो उसी का ये कंटिन्यू वीडियो है, सेकेंड नंबर की वीडियो है ये एंटोमोलॉजी की। तो इसमें भी हम ऐसे ही इंसेक्ट पेस्ट को देखेंगे। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सामने हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पेंटेड बग है ये, ठीक है। आपको धब्बे धब्बे से दिख रहे होंगे अलग अलग कलर के। तो दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल है ये। तो दोस्तों, इंसेक्ट की जो स्टडी है ना, वो मतलब मोस्ट इंसेक्ट में इतनी डाइवर्सिटी है दोस्तों कि आप काउंट भी नहीं, कितना मतलब कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पेंटेड बग है, रेडिश राई, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर और टर्निप जैसी फसलों में होता है। तो आप, ये पेंटेड बग है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, पेंटेड बग के बाद देखते हैं, आप ये देख रहे होंगे कटवर्म है ये, ठीक है। कुतर कुतर के खाता है ये, जो लीफ होती है, कटवर्म बोलते हैं इसको। चने में, ग्राम में और पोटैटो में लगता है ये। तो ये है कटवर्म, तो नाम भी सुनोगे आपने कटवर्म का। तो ये कटवर्म है, और आप देख रहे हो सामने, ये है ग्राम कैटरपिलर, ठीक है। चने में लगती है ये भी, ग्राम पी, टोमेटो और अरहर को, फसल को ये खराब करती है। तो आप देख रहे हो सामने, तो ये है ग्राम कैटरपिलर, ठीक। आगे देखते हैं हम, ग्राम कैटरपिलर के बाद है, ये है पंपकिन, ये रेड पंपकिन बीटल है। आप रेड रेड कलर देख रहे होगे इसका, तो ये रेड पंपकिन बीटल है। ये प्लांट ऑफ कुकुरबिटेसी, जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, उनके प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है ये रेड पंपकिन बीटल, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर याद रखें, तो इससे आपको पिक्चर देखने से आपको माइंड में रहेगा, ठीक है, जल्दी याद होगा आपको। तो ये रेड पंपकिन बीटल है, ठीक है। रेड पंपकिन बीटल के बाद हम देखते हैं, ये फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। ये भी प्लांट शॉप कुकुरबिटेसी फैमिली, उनको इन्फेक्ट करती है। तो आप देख रहे होगे फ्रूट फ्लाई, आपने नाम जरूर सुना होगा फ्रूट फ्लाई का, लेकिन आज ज़रूर देख लीजिए, इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। और दोस्तों, मैंने तो फ्रूट फ्लाई को रियली में देखा हुआ है, रियली में इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फ्रूट फ्लाई के बाद ये है ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। बैंगन में लगता है ये, पोटैटो और ब्रिंजल में लगता है ये, ठीक है। ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर है ये, ठीक। तो आगे देखते हैं हम, ये ब्रिंजल शूट बोरर के बाद आता है डायमंड बैक मोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये प्लांट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली को ये, मतलब कि जो क्रूसीफेरी फैमिली है, उनके प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उनके प्लांट्स को खा खू जाता है जैसे ये कट कुतर कुतर कर। तो ये है डायमंड बैक मोथ, ठीक है। आगे देखते हैं डायमंड बैक मोथ के बाद, ठीक है। तो आप सामने देख रहे होगे ये है, तो डायमंड बैक मोथ के बाद ये है टोबैको कैटरपिलर है। ये टोबैको की जो फसल होती है, उसको मतलब कि ये खा, मतलब कि नुकसान पहुँचाता है टोबैको, और क्रूसीफेरी फैमिली को ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उसके प्लांट्स को। तो आगे देखते हैं हम, ये है मैंगो लीफ होपर है, मैंगो को इन्फेक्ट करता है। तो आप देखना कितनी एचडी पिक्चर है इसकी, और कितना मतलब कितना ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स आए हैं, लेकिन फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक। तो मैंगो लीफ होपर मैंगो को मतलब कि डिस्ट्रॉय करता है। तो आगे देखते हैं मैंगो लीफ होपर के बाद, तो ये मैंगो मिली बग है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हो ना गोल गोल से, ये इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट का कोकून दिखाया गया है, तो ये असल में ये इंसेक्ट है। तो आप इनको कुछ और चीज़ मत समझ लेना, ठीक है। मैंगो को और जैक फ्रूट को ये इन्फेक्ट करता है। तो मैंगो मिली बग का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब पिक्चर देख लीजिए दोस्तों। बायोलॉजी है ना, जो बायोलॉजी मैं तो बायोलॉजी मतलब मेरा तो इतना इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, तो मेरे को पूरा दिन पढ़ा लो आप, मैं तब भी पढ़ लूँगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो इतनी यार इतनी डाइवर्सिटी है, कितना मज़ा आता है पढ़ने में। तो बायोलॉजी को यार ऐसे मत रट्टा मार के मत पढ़ा करो, इंटरेस्ट बना के पढ़ा करो बायोलॉजी में, तभी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, जो कुछ पहले पढ़ता हूँ फिर उसकी पिक्चर देखता हूँ, तो माइंड में भी सेट रहता है वो लंबे समय तक। शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, मैंगो मिली बग के बाद ये आप देख रहे हो सामने, ये है लेमन कटर बटरफ्लाई देख रहे हो आप, ठीक है। ये लेमन बटरफ्लाई है, जो कि कितनी सुंदर है दोस्तों, आपने कितनी बार ऑब्जर्व किया होगा इसको, सच में बताना कमेंट बॉक्स में, यस और नो देना, आपने इसको ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है। मोस्टली बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, गाँव वाले बच्चों ने तो जरूर किया होगा, शहरों में तो होती नहीं, ठीक है। तो हम तो जनरली क्या सोचते हैं कि ये ऐसे बटरफ्लाई है, लेकिन ये कितनी खतरनाक है ना लेमन के लिए। तो ये लेमन बटरफ्लाई है, सिट्रस फ्रूट को, सिट्रस जो फैमिली है, मतलब सिट्रस फ्रूट की जो फैमिली है, उनको इन्फेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये कुछ जो एंटोमोलॉजी के दो लेक्चर थे, यहीं पर हम अपनी एंटोमोलॉजी को ख़त्म करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इनको याद करिए, और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।